हेलो एवरीवन, मायसेल्फ मुकेश कुमार तिवारी फ्रॉम एलपीएम पब्लिक स्कूल। डियर स्टूडेंट, हमने आपसे अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, वो फाइव लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हम लोग कंसिडर हमने बताया था होता है, जिसमें नाम पहले का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, फिर लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन और डेफिनेट प्रोपोर्शन, उसके बाद लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन और लास्ट था गैलुसिक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, जिसमें से हमने आपको दो लॉ पढ़ा दिया था। एक हमारा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और एक हमारा है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन। क्लियर? आज हमें जो बात करनी है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के बारे में। तो सबसे पहले आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है वो कौन से साइंटिस्ट ने दिया था और उसका मोटो क्या था, ठीक है ना। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि हमने आपको बताया कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है उसको एंटोनी लेवाइजर ने इस्टेब्लिश किया था, उन्होंने उस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया था। और जो लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन और डेफिनेट प्रोपोर्शन था उसको जोसेफ प्राउस ने 1799 में उसको इस्टेब्लिश किया और उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन दिया। आज का जो टॉपिक है वो हमारा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को सबसे पहले डिफाइन या ये जो लॉ है वो इस्टेब्लिश किया गया था जॉन डाल्टन के द्वारा। जॉन डाल्टन ने 1803 में अपना दो अल्टरनेट कॉन्सेप्ट दिया था, जिसमें आप पढ़ते हो एक डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी और डाल्टन्स पॉस्टुलेट्स फॉर एटॉमिक थ्योरी, और उसके बाद उन्होंने इसको भी एक्सप्लेन किया जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन आज हमें डिस्कस करना है, तो चलिए हम लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन समझना शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो हमारा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो सबसे पहली तो बात यही है कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को किसने एस्टेब्लिश किया, तो मैंने अभी जस्ट बताया, इट इज गिवन बाई जॉन डाल्टन इन 1803 की यह घटना है। 1803 में जॉन डाल्टन ने इसको इस्टेब्लिश किया और इसके बारे में समझाया, ठीक है ना। अब इसमें बताया क्या गया है, आपको ये याद होगा कि जब भी कोई कंपाउंड बनता है तो दोनों कोई भी कंपाउंड जब बनता है तो कंपाउंड के बनने में एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है ना। और आपको पता है बाय द डेफिनेशन एलिमेंट्स कंबाइन करके इन ए डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय देयर वेट वो कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना। यानी कोई भी कंपाउंड कब बनता है, जब कंपाउंड जो होता है वो कब बनता है, जब टू और मोर एलिमेंट कंबाइन करते हो। जैसे मान लीजिए एक एलिमेंट ए है और दूसरा एलिमेंट बी है, ठीक है ना। ये जब दोनों आपस में एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में कंबाइन करते हैं तो जो हमें नया सबस्टेंस मिलता है उसी को हम नाम देते हैं क्या, कंपाउंड। यही जो है हमारा कंपाउंड होता है। अब इस लॉ में ये बताया गया है कि जब कोई दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करके दो या दो से अधिक टू और मोर कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, इसमें ये बताया गया है कि जब टू और मोर एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं या दो से अधिक कंपाउंड बनाते हैं, तो दोनों एलिमेंट में से एक एलिमेंट का जो मास होता है वो फिक्स्ड होता है और दूसरे एलिमेंट का जो मास होता है वो फिक्स्ड नहीं होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि दोनों एलिमेंट में से एक एलिमेंट का जो मास होगा वो कंबाइन करता है, ठीक है, इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय देयर वेट। जैसे एक एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं और वहाँ से हम
लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए हम दो एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, एक एलिमेंट हमारा कार्बन है और दूसरा एलिमेंट हमारा ऑक्सीजन है। कार्बन और ऑक्सीजन जब आपस में कंबाइन करते हैं तो दो दो कंपाउंड बनेंगे, एक कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और एक कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, ठीक है ना। दोनों कार्बन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से ही बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। अब हम अलग अलग कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड में हम इसका रेशियो फाइंड करेंगे। सबसे पहले जो कार्बन डाइऑक्साइड है, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड में जब हम कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो फाइंड करते हैं तो कार्बन 12 है और ऑक्सीजन 16 है, 12:16। और इसका सिंपलेस्ट जो फॉर्म होगा, या आप ऐसे ही इसको रहने दीजिए, ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की जब हम बात करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा, इसमें कार्बन 1 है तो कार्बन का हो जाएगा 12 और ऑक्सीजन 2 है तो ऑक्सीजन का हो जाएगा 2:16 यानी 32, 12:32 हो रहा है, ठीक है ना। अब 12:32 जो आप देख रहे हो, इस वाले रेशियो में आप देखो कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो क्या है, फिक्स्ड है, फिक्स है कि नहीं। इसमें भी 12 है, यहाँ भी 12 है, बट यहाँ ऑक्सीजन का जो है वो क्या है, वेरिएट हो रहा है। तो यहाँ पर यही बताया गया है इस्ला में कि इफ टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड्स, द वेट ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट विच कंबाइन विद अ फिक्स्ड वेट ऑफ द अदर इन इन दीज कंपाउंड बियर अ सिंपल होल नंबर रेशियो बाय वेट। यानी इसमें ये बताया गया है कि दोनों एलिमेंट में से किसी एक एलिमेंट का जो वेट होगा वो फिक्स होगा, और जब हम इसका रेशियो फाइंड करेंगे तो रेशियो जो होगा वो एक होल नंबर रेशियो हमें मिलेगा। तो आप देख रहे हो कि कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन का एटॉमिक मास फिक्स्ड है, कार्बन डाइऑक्साइड में भी कार्बन का एटॉमिक मास फिक्स्ड है। तो अगर हम यहाँ पर रेशियो फाइंड करने जाएं तो ये दोनों तो कॉमन हो गया, तो रेशियो बनेगा किसका, 16:32 का। 16 किसका है, ऑक्सीजन का है, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन का कितना है, 32 है। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, 1:2, यानी यही जो है ये होल नंबर रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है। होल नंबर रेशियो का मतलब एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, यही एक होल नंबर रेशियो का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है ना। अब एक और एग्जांपल, हम इसको थोड़ा सा एग्जांपल बड़ा है लेकिन हम उसको कंसीडर कर लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही दो एलिमेंट नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, दो एलिमेंट, एक हमारा नाइट्रोजन है और दूसरा जो है वो ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जब कंबाइन करते हैं तो अलग अलग टाइप्स के कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, और वो कौन कौन सा कंपाउंड है मैं यहाँ लिख रहा हूँ, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, NO नाइट्रिक ऑक्साइड, N2O3 डाइनाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, N2O4 डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, N2O5 डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। ये सब जो हैं ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। अब अगर यहाँ पर हम अलग अलग करके रेशियो फाइंड करें तो नाइट्रोजन यहाँ पर कितना है, 2 है, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो जो हम लिखेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक नाइट्रोजन का 14 होता है तो दो नाइट्रोजन का 28 होगा, 28:16 एक ऑक्सीजन है, क्लियर है ना। अगर हम यहाँ पर दो नाइट्रोजन लें, सॉरी यहाँ पर एक ही नाइट्रोजन है तो 14:16 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 28:2 ये हो जाएगा 48, तीन ऑक्सीजन है तो 16 यानी 16:3 48 हो जाएगा, यहाँ पर 28:2 ये हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा 28:18। ये आपको रेशियो समझ में आ रहा होगा, यहाँ 5 ऑक्सीजन है तो 16:5 80 हो जाएगा, यहाँ 4 ऑक्सीजन है तो 16:4 64 हो जाएगा, 3 है तो 48 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, तो यहाँ पर समझने के लिए थोड़ा सा हम करेंगे क्या,
आप देख रहे हो हर एक केस में नाइट्रोजन का मास फिक्स हो रहा है 28 28 28 28, बट यहाँ पर 14 है। तो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी अगर हम यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल नाइट्रिक ऑक्साइड का कंसीडर करें तो ये भी 28 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी इसको हम 28 लिखेंगे, 28 is 2, और ऑक्सीजन का हो जाएगा कितना 32, यानी ये रेशियो हमें मिल रहा है। अब आप देखिए जरा यहाँ पर ये हर जगह ऑक्सीजन का जो मास है वो कितना है 28 है, और किसका मास वेरिएट हो रहा है ऑक्सीजन का, यहाँ 16 है, यहाँ 32 है, यहाँ 48 है, यहाँ 64 है, यहाँ 80 है। तो यहाँ पर जब हम रेशियो बनाएंगे तो 16 × 32 = 48 = 64 = 80, ये रेशियो हमें मिल रहा है। और इसका जब सिंपलेस्ट फॉर्म बनाएंगे तो ये हो जाएगा 1:2 2:3:4:5, जो एक सिंपल होल नंबर रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से हम लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को डिफाइन करते हैं, जिसको इस्टेब्लिश किया था किसने, जिसको इस्टेब्लिश किया था जॉन डाल्टन ने। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जब भी दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करके दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड बना रहे हैं तो कंपाउंड के बनाते समय एक का जो मास होगा वो फिक्स होगा, दूसरे का होगा वो वेरिएट होगा, और उनका जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होगा एक हमें मिलेगा, वो भी उनके वेट के अकॉर्डिंग। तो ये हमने आपको लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बताया है। बोलिए समझ में आया कि नहीं, अगर आ गया होगा तो रेज योर हैंड करके हमको बता सकते हैं, आपको समझ में आया कि नहीं। ओके ओके, चलिए अच्छी बात है, समझ में आ गया। तो अब हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। ओके चलिए, आपको मैंने बताया था कि जो 5 लॉज है उसमें से हमें केवल जो शुरुआत के जो 4 हैं वो मास से रिलेटेड थे, जिसमें से हमें लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन नहीं पढ़ना है, जो आपके एनसीईआरटी में नहीं इंक्लूड किया गया है, तो इसलिए हम उसको यहाँ ड्रॉप करेंगे। तो उसके बाद जो हमारा टॉपिक बच रहा है वो है गैलुशेक लॉ। तो हम लोग अगला जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है गैलुशेक लॉ, गैलुशेक लॉ। अभी तक हमने आपको जो भी लॉ बताया है, चाहे वो कंजर्वेशन ऑफ मास हो, चाहे वो डेफिनेट प्रोपोर्शन हो, चाहे वो आपका ये अभी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हो, ये सब के सब मास से रिलेटेड थे। अब यहाँ से जो हम ये पढ़ने जा रहे हैं गैलुशेक लॉ, ये जो है ये वॉल्यूम से रिलेटेड है। जैसे बहुत सारे आप केमिकल रिएक्शन देखते हो, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन में आपको पता है रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होता है, और बहुत ऐसा होता है कि केमिकल रिएक्शन जब होता है तो रिएक्टेंट भी हमारा गैस फेज में होता है और प्रोडक्ट भी हमारा गैस फेज में होता है। तो किसी गैसियस फेज में अगर कोई केमिकल रिएक्शन अगर हो रहा है तो वहाँ पर हम गैलुशेक लॉ को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ये जानना ज़रूरी है कि जो गैलुशेक लॉ है उसको गैलुशेक ने कौन से ईयर में इस्टेब्लिश किया था और इसमें उन्होंने क्या बताया, क्लियर है ना। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि जो गैलुशेक थे उन्होंने ये जो अपना लॉ दिया वो 1808 में दिया, ठीक है ना, 1808 में दिया। और इसमें इन्होंने क्या बताया है कि जब भी कोई रिएक्शन होता है तो रिएक्टेंट हमारा किसमें चेंज होता है, प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट हमारा किसमें चेंज होता है, प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट भी हमारा गैस के फेज में हो और प्रोडक्ट भी हमारा क्या हो, गैस के फेज में हो। तो अगर कोई रिएक्शन ऐसा हो रहा है जिसमें रिएक्टेंट भी हमारा गैस के फेज में है, प्रोडक्ट भी हमारा गैस के फेज में है, तो वहाँ पर हम गैलुशेक लॉ अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें बताया क्या गया है ये आपको समझना ज़रूरी है। इसमें बताया गया है
कि अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखें या दोनों में कोई चेंजेस नहीं लाए, एंड प्रेशर व्हेन एवर गैसेस कंबाइंड दे डू सो इन वॉल्यूम्स एंड बी अ सिंपल होल नंबर रेशियो विथ ईच अदर एंड आल्सो विद द गैसियस प्रोडक्ट, यानी जो जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स में हम एक सिंपल होल नंबर रेशियो कंसिडर कर सकते हैं। जब भी कोई रिएक्शन होता है और अगर वो रिएक्शन गैसियस फेज में हुआ हो तो नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ जो प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स हैं उनका गैसियस फेज में एक सिंपल होल नंबर रेशियो हमें मिलता है। ये समझाया किसने? गैलुशेक ने। जैसे एज ए एग्जांपल हम एक रिएक्शन कंसिडर करते हैं, रिएक्शन हमारा है N2 गैस के फॉर्म में प्लस O2 गैस के फॉर्म में, ये बन रहा है 2NO गैस के फॉर्म में। तो इस रिएक्शन में आप देख सकते हो कि ये N2 और O2 हमारा रिएक्टेंट है कि नहीं है, और ये जो दोनों रिएक्टेंट है दोनों का जो फेज है वो गैसियस फेज है कि नहीं है, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो भी हमारा कौन सा फेज में है? गैसियस फेज में है। तो इस हिसाब से N2 और O2 दोनों हमारा गैसियस फेज में है और NO जो है वो हमारा प्रोडक्ट जो है वो भी हमारा गैसियस फेज में है। तो आप देख सकते हैं यहाँ 1 मोल, ये 1 मोल और ये हमारा 2 मोल। तो अगर हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के गैसियस मॉलिक्यूल का अगर रेशियो हम निकालें तो यहाँ पर 1:1:2 का रेशियो मिल रहा है। 1:1, यानी इस रिएक्शन में 1:1:2 का रेशियो का मतलब हमें एक सिंपल होल नंबर रेशियो यहाँ कंसीडर करने के लिए मिल रहा है, क्योंकि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, तो यहाँ पर ऐसा तो है नहीं, ये कॉमन हो गया 1:2, यानी एक होल नंबर रेशियो यहाँ हमें मिल रहा है। ऐसे ही अगर हम एक अलग से दूसरा एग्जांपल कंसीडर करते हो इसको छोड़कर, तो वहाँ पे भी आप देखोगे तो सिंपल होल नंबर रेशियो आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे N2 गैस के फॉर्म में प्लस 3H2 गैस के फॉर्म में, ये बना लेगा 2NH3 गैस के फॉर्म में। ये है हैबर्स प्रोसेस के थ्रू अमोनिया का फॉर्मेशन का इक्वेशन। आप देख सकते हैं N2 गैस के फॉर्म में, H2 गैस के फॉर्म में, ये बन रहा है 2NH3 गैस के फॉर्म में। तो इसमें हो क्या रहा है? ये हमारा रिएक्टेंट है, ये दोनों हमारा रिएक्टेंट है कि नहीं है, और ये हमारा हो गया प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट जो है यहाँ पर, ये हमारा 1 मोल N2 है, 3 मोल H2 है और 2 मोल NH3 है। तो जो रेशियो मिल रहा है वो हमें 1:3:2 का मिल रहा है, यानी जो इक्विवेलेंट है किसके? 1:2:3 के, और ये रेशियो जो है एक सिंपल होल नंबर रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर हमने यही बताया है गैलुशेक लॉ में कि जब भी कोई रिएक्शन अगर हो रहा है केमिकल रिएक्शन, वो भी गैसियस फेज में है, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, जो गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं, उनमें जो रेशियो होगा एक सिंपल होल नंबर रेशियो हमें मिलेगा। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम एक बार अपना, आप लोग हमको फीडबैक दे दीजिए, अगर आपको समझ में आ गया हो तो फिर हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। समझ में आ गया है? रेज योर हैंड। अगर समझ में आ गया है तो आप अपने हाथ उठाकर हमको बता सकते हैं। चलिए, ओके। अब हमें जो पढ़ना है वो है एवोगैड्रोस लॉ। अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे वो गैलुशेक लॉ था, अब हम जो पढ़ेंगे वो हमारा है एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ को सबसे पहले एमिडो एवोगैड्रो, जो इटालियन केमिस्ट थे, इन्होंने 1811 में ये लॉ दिया, ठीक है ना?
ये एवोगैड्रो सोला है इसको किसने दिया था? एमिडो एवोगैड्रो ने, एमिडो एवोगैड्रो ने। और ये कहाँ के थे? इटालियन केमिस्ट थे, यानी इटली के थे। और इन्होंने अपना ये जो ला इस्टेब्लिश किया वो 1811 में इस्टेब्लिश किया। इसमें इन्होंने क्या बताया? इन्होंने एक साइंटिस्ट थे वर्जीलियस, वर्जीलियस के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया। वर्जीलियस हाइपोथेसिस जो वर्जीलियस ने दिया था, उस हाइपोथेसिस को मॉडिफाई फॉर्म दिया किसने? एवोगैड्रो ने। और एवोगैड्रो ने वर्जीलियस के कॉन्सेप्ट को अपने कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन किया। अब आपको समझना ये है कि आखिर वर्जीलियस ने क्या बताया। वर्जीलियस ने ये बताया कि जब भी कोई मॉलिक्यूल्स बनता है, फिर से एक बार समझ लीजिए, एवोगैड्रो जो लॉ है, एवोगैड्रो की जो हाइपोथेसिस है, वो एक मॉडिफाई फॉर्म है इसका, वर्जीलियस का। और वर्जीलियस के कॉन्सेप्ट को एवोगैड्रो ने उसको एक नए रूप से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। और ये इटली के केमिस्ट थे और अपना ये कॉन्सेप्ट इन्होंने 1811 में दिया। वर्जीलियस ने क्या कहा? वर्जीलियस ने ये कहा कि सपोज अगर हमें HCl बनाना है, तो HCl बनाने के लिए हम हाइड्रोजन और क्लोरीन का रिएक्शन अगर करें तो बन जाएगा HCl। ये हमारा हो गया हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। लेकिन आपको पता होगा कि क्या कोई एलिमेंट फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करता है एज ए एटम? ये इस तरह एग्जिस्ट नहीं करेगा। और इसी चीज को एवोगैड्रो ने एक्सप्लेन किया कि आपने ये जो रिएक्शन, ये वर्जीलियस ने बताया कि जब भी दो एटम आपस में कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनता है। लेकिन इसको गलत किया किसने? एवोगैड्रो ने। एवोगैड्रो ने कहा कि कभी भी फ्री एटम कंबाइन नहीं करेंगे। कभी भी अगर कॉम्बिनेशन, कोई रिएक्शन अगर होगा, तो रिएक्शन तभी होगा जब कोई मॉलिक्यूल्स कंबाइन करे, ठीक है ना? यानी रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में चेंज होगा, तो किसी भी रिएक्शन में ऐसा नहीं होगा कि केवल सिंपल सा एलिमेंट रिएक्ट कर जाए या उसका एटम रिएक्ट कर जाए। कभी भी रिएक्शन होगा तो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होगा, ये समझाया एवोगैड्रो ने। इवन अगर मॉलिक्यूल्स फ्रैक्शन में भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी ये जो रिएक्शन है वो एवोगैड्रो के हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग कैसे लिखा जा सकता है? हाफ एस टू गैस के फॉर्म में, ये हाफ एस टू गैस के फॉर्म में प्लस हाफ सी एल टू गैस के फॉर्म में, ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये बना लेंगे एच सी एल गैस। ये जो रिएक्शन है ये एवोगैड्रो ने समझाया, और ये जो रिएक्शन था वर्जीलियस ने बताया। इसीलिए हमने कहा कि वर्जीलियस के हाइपोथेसिस का ये मॉडिफाई फॉर्म है एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। तो यहाँ पर ये हाफ एच टू, एच टू जो है वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कितना है? हाफ है, यानी हाफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड हाफ मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो वन मॉलिक्यूल ऑफ HCl गैस बन जाएगा। इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया किसने? एवोगैड्रो ने। और एवोगैड्रो ने अपना जो हाइपोथेसिस दिया था उसमें उन्होंने बताया कि अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये डेफिनेशन एवोगैड्रो का था, और इसी डेफिनेशन को एडिट करके बनाया गया। यानी वर्जीलियस ने ये डेफिनेशन कैसे दिया था? उन्होंने कहा कि अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, यानी वर्जीलियस के अकॉर्डिंग एटम्स था और यहाँ पर मॉलिक्यूल्स था। यानी कहने का मतलब कोई भी रिएक्शन अगर होगा तो उसमें नंबर ऑफ एटम तो चेंज नहीं होंगे, नंबर ऑफ एटम जो होंगे वो सेम होंगे। जैसे अगर यहाँ पर हम देखें तो ये एक एटम हो गया और ये एक एटम हो गया,
और यहाँ पर भी एक और एक दो एटम है, यानी दोनों तरफ एटम तो सम इक्वल है, एटम में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वर्जीलियस की ये बात गलत हो गई कि कोई भी एटम फ्री फॉर्म में रिएक्ट नहीं करेगा, कभी भी अगर रिएक्शन होगा तो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होगा, ये समझाया किसने? एवोगैड्रो ने। तो आई थिंक आज मैंने जो आपको लेक्चर समझाया है ये सब कुछ हमने इंक्लूड कर दिया, जिसमें बाकी जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का बचा हुआ था और एवोगैड्रो हाइपोथेसिस और वर्जीलियस हाइपोथेसिस के जो भी डिमेरिट्स थे उसको हमने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं आपको अपने अगले वीडियो में बात करने वाला हूँ कि कैसे हम लोग मॉलिक्यूलर मास फाइंड करते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन कैसे निकालते हैं, उसके बाद इंपेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये सारी चीज़ें हम लोग अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्लियर? थैंक यू।